स्वागत है आपका सने स्पीक्स में और मैं हूं दिव्यांशी। पंड्या स्टोर में नताशा और धवल जंगल में उन पर आई भयावहता से बचने की कोशिश करते हैं। यह बता दें कि जनजाति के कुछ मेंबर्स ने एक व्यक्ति के साथ सहयोग किया जिसका चेहरा जानवरों को मारने के बाद जंगल से चुराने के लिए छिपाया गया था। हालांकि नताशा और धवल ने एक जानवर को मारते हुए देखा। जो आदमी आदिवासियों के साथ था उसने धवल के हाथ पर गोली चला दी क्योंकि वह ग्रुप उनकी जान लेने के लिए उनका पीछा कर रहा था। धवल को नताशा ने बचाया और सुरक्षित स्थान पर लाया, जिसके बाद नताशा ने देखा कि सुहानी के भाई रोहन के साथ भी वही लाइटर था जो शिकारी के पास था। इससे नताशा आश्चर्यचकित हो गई और उसने रोहन से कुछ सवाल पूछना चाहा। वहीं आने वाले एपिसोड में नताशा मकवाना घर का दौरा करेगी और धवल और मकवाना परिवार को जंगल में अजनबी के साथ अपनी मुठभेड़ के बारे में बताएगी। पर रोहन से जंगल में अवैध शिकार में उसकी भूमिका के बारे में भी पूछेगी, लेकिन नताशा को फटकार मिलेगी और अम्बा उसे भेज देगी। ईशा की शादी एक ही शख्स से होने की खबर नताशा को हैरान कर देगी। वहीं वुडलैंड शिकारी को बेनकाब करने के लिए वह कोई कसर नहीं छोड़ेगी। वह सोचेगी कि रोहन इसमें शामिल है। जब रोहन धवल से मिलने पहुंचा तो नताशा को उसी तरह का लाइटर दिखाई दिया। नताशा ने सवाल किया कि क्या रोहन जंगली आदमी था। वह इसे कैसे साबित करेगी, यह देखना दिलचस्प होगा।